डोंट टेक रेस्ट आफ्टर यूर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से डेट यूर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट लक। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान एवं मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, और यह प्रश्न आपकी तैयारी और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए सेशन को धैर्यपूर्वक लगन से अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज के इस चर्चा को। कल के सत्र के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करता है, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। इसमें बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज हम क्रियात्मक अनुसंधान और मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस सेशन को बिल्कुल मत चूकिए, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में प्रसिद्ध परिभाषा है स्टीफन एम कोरे की, आप इसे ध्यान में रखिए, फिर इन्हीं के आधार पर आगे हम प्रश्न हल करेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं को मार्ग निर्देशन संशोधन मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इनमें आपको कुछ शब्द समझने हैं, जैसे अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं को मार्ग निर्देशन संशोधन मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का, समस्याएं खुद की होती हैं, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है, तो मार्ग निर्देशन करता है, संशोधन करता है और मूल्यांकन करता है। इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आगे आएंगे। आज का पहला प्रश्न यह है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। चार प्रकार के अनुसंधान यहाँ पर लिखे गए हैं। तो एक अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय की जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें सुधार के लिए संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। कई जगह इसे क्रियानिष्ठ शोध भी लिखा होता है। तो यह अनुसंधान सामाजिक समस्या से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में जो क्रियाकलाप होते हैं उनके सुधार के लिए किया जाता है, यानी इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वह विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, मॉनिटर, यानी संपूर्ण स्टाफ होता है विद्यालय का। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, एक्शन रिसर्च का पर्पज क्या है। नवीन ज्ञान की खोज नहीं, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास नहीं, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, एकदम सत्य है, उपरोक्त सभी अब नहीं हो सकता। क्रियात्मक शोध या कहें क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। और ऑप्शन नंबर 1 यानी नवीन ज्ञान की खोज आप किस में करते हैं, मौलिक अनुसंधान में, यानी फंडामेंटल रिसर्च में। इसमें आप जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें आप नवीन ज्ञान की खोज करते हो, नवीन सिद्धांतों की खोज करते हो या पुराने ज्ञान का पुनरावलोकन भी आप उसमें करते हो, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में आप विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करते हो, यानी विद्यालय और कक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण, उनका समाधान करने का प्रयास करते हो। उदाहरण के लिए, जैसे गणित की कक्षा में बच्चे
पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते वह गणित की कक्षा को बंक करते हैं, यह एक समस्या हो जाएगी विद्यालय स्तर की, कक्षा स्तर की, शैक्षिक स्तर की। तो इसका निराकरण करने के लिए आप रिसर्च करोगे, शोध करोगे कि गणित की कक्षा में बच्चे बंक क्यों करते हैं। तो हो सकता है कई कारण निकलकर सामने आए कि गणित का अध्यापक उन्हें मारता है या अच्छा नहीं पढ़ाता या बच्चों को गणित पसंद नहीं है या उस समय बहुत थके रहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो फिर जो भी कारण निकलेगा आप उसका तात्कालिक रूप से समाधान करने की कोशिश करोगे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्शन रिसर्च के महत्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? इसमें उपभोक्ता ही अनुसंधानकर्ता होता है, यह तो सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान में उपभोक्ता ही अनुसंधानकर्ता होता है। अनुसंधानकर्ता का मतलब जो शोध करता है किसी समस्या पर निराकरण करने के लिए। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कौन होता है? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रशासक, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, मॉनिटर भी हो सकता है, यानी विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ। और जो अनुसंधान करेगा यानी इतने लोग अनुसंधान करेंगे फिर किसी समस्या का निराकरण करेंगे तो उसका उपभोग भी वही करेंगे। ठीक है, समझ गया आप? तो इसमें उपभोक्ता ही कौन होता है? अनुसंधानकर्ता होता है, या अनुसंधानकर्ता ही क्या होता है? उपभोक्ता होता है। किसी भी तरीके से ऑप्शन बन सकता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें समस्याएं छोटी छोटी होती हैं और इनका निराकरण या इनका हल, इनका समाधान भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जैसे बच्चे गांव के हैं और वह रोज स्कूल लेट आते हैं, तो उसकी कोई समस्या होगी, आपने उस पर शोध किया और आपको पता चला कि वहाँ पर एक बड़ी सी नदी है और बच्चे उस नदी को तैर कर आते हैं या एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर आर पार जाते हैं, तो यह एक समस्या होगी। तो उसका हल आप करोगे, हो सकता है आप वहाँ पर पुल बनाने की मांग करें या नाव की व्यवस्था करें। अगला प्रश्न है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, एकदम गलत। मैंने स्टीफन एम कोरी की परिभाषा में मूल्यांकन शब्द बताया था, आपको याद आ रहा होगा। तो समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये गलत होगा। कोई भी शोध ऐसा नहीं होता जिसका मूल्यांकन ना किया जाता हो, मूल्यांकन हर किसी का किया जाता है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं अब नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप चाहे ऐतिहासिक शोध करें, मौलिक शोध करें या क्रियात्मक शोध करें, प्रायोगिक शोध करें, तो मूल्यांकन तो आप उनका करोगे। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, अर्थात एक्शन रिसर्च डिफरेंट है फंडामेंटल रिसर्च से, क्यों? इन 4 विकल्पों में से सही को बताना है। यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, एकदम सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च में अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता कौन होता है? अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधक, प्रशासक यानी विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ या छात्र छात्राएं भी हो सकते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो मौलिक अनुसंधान में होता है। यह परमापीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, गलत। यह न्याय दर्श यानी सैंपल पर आधारित होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, यानी इसमें ये लोग अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता या कहें रिसर्चर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, यानी इन 4 विकल्पों में से कौन सा एक एक्शन रिसर्च के संबंध में सही नहीं है? यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, यह तो सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान जो छोटी छोटी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हल या उनका समाधान करने में सहायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी गांव में लाइट नहीं आ रही है कई दिनों से, या एक दिन आती है एक दिन नहीं आती, फिर 2 दिन आती है 2 दिन नहीं आती, इस प्रकार की कोई समस्या है, तो यह एक व्यवहारिक समस्या है, धरातलीय समस्या है। तो इसका आप समाधान करने, इसके हल करने की कोशिश करोगे तो इसके लिए आप क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, एकदम गलत। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिद्धांत निर्माण या नया ज्ञान की खोज कौन करता है? मौलिक अनुसंधान या कहें फंडामेंटल रिसर्च, ना कि क्रियात्मक शोध।
क्रियात्मक सोच सिर्फ क्या करता है, किसी व्यवहारिक समस्या का हल निकालता है। यह त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है। एकदम सत्य, क्रियात्मक सोच जो त्वरित समस्याएं होती हैं, तात्कालिक समस्याएं होती हैं, जो चिंताजनक समस्याएं होती हैं उनके ऊपर केंद्रित होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइट का उदाहरण दिया, या बच्चे गणित की कक्षा से भाग रहे हैं, तो यह एक तात्कालिक समस्या है, एक चिंताजनक त्वरित समस्या तो इसके ऊपर केंद्रित होता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है तथा उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन भी इसमें होता है। ठीक है, तो यह भी सत्य होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक होता है। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्रियात्मक अनुसंधान को। यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है, इसे आप बिल्कुल संदेह में ना लें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा। उत्साह बढ़ाने के लिए हमें फीडबैक के तौर पर एक कमेंट अवश्य पिन कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतक मित्रों के साथ। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसी प्रकार आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है परीक्षा हॉल में। कई बार हम केवल यहीं तक पढ़ते हैं और सही के चक्कर में हम सही वाले को हिट कर देते हैं। तो सही नहीं है कौन सा कथन इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। एकदम सत्य, आप समझ चुके होंगे। इसमें अनुसंधानकर्ता, विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोग होते हैं, जैसे प्रबंधक हो सकता है, प्रशासक हो सकता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल सत्य, क्रियात्मक सोच कोई विशिष्ट समस्या होगी तो उसके समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। एकदम गलत। गलत क्यों है अभी बताता हूँ। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। एकदम सत्य, जैसे मैंने लाइट का उदाहरण दिया किसी गाँव का, तो स्थानीय स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। यह स्थानीय स्तर पर किया जाने वाला शोध है। छोटी छोटी जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए यह शोध किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य होता है मौलिक अनुसंधान में या फंडामेंटल रिसर्च में। उदाहरण के लिए, जैसे उत्तराखंड के किसी स्कूल में बच्चे भागते हैं, क्लास बंक करते हैं, उत्तराखंड के किसी विद्यालय में, यानी एक विद्यालय की समस्या है, क्या आप इस पर रिसर्च करोगे और उसका समाधान खोजोगे कि बच्चे क्यों भागते हैं? आपको उसका समाधान मिल गया तो क्या आप उसी समाधान को असम के किसी विद्यालय में लागू कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हर विद्यालय की अपनी अपनी पर्सनल समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसका यूज आप व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए नहीं कर सकते, बल्कि छोटे स्तर पर, सीमित स्तर पर आप इसका यूज कर सकते हो। व्यापक स्तर पर तो कोई बड़ा अनुसंधान होगा, जैसे आइंस्टीन का सूत्र है E=mc² ऊर्जा द्रव्यमान का, तो यहाँ पर आप इसे कहेंगे आप एक बड़ा ज्ञान या सिद्धांत का निर्माण करना, सूत्र का निर्माण करना, यानी मौलिक अनुसंधान। जैसे COVID-19 की वैक्सीन बन गई तो इसको आप व्यापक स्तर पर यूज कर सकते हो दूसरे देशों में, अपने देश में, तो इसे आप मौलिक अनुसंधान में रखोगे, ना कि क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। एकदम गलत। देखो, किसी भी शोध में उपकल्पना अवश्य होती है। उपकल्पना को परिकल्पना भी कहा जाता, प्राकलन भी कहा जाता, इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो शोध में यानी अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में भी उपकल्पना का निर्माण होता है, इसलिए यह तो गलत होगा। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, ऐसा भी नहीं होता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। बिल्कुल सत्य है। आपके पास कोई समस्या होगी, उस समस्या के कुछ कारण होंगे, तो आप उस समस्या
का निराकरण करने के लिए उपकल्पना बनाओगे, यानी हाइपोथेसिस बनाओगे, परिकल्पना बनाओगे, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे, अर्थात उस समस्या का समाधान करोगे, उसका हल खोजोगे। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इन चार चरणों में से, इन चार स्टेप्स में से शोध का कौन सा ऐसा चरण है, ऐसा स्टेप्स है जो किसी शोध को यानी किसी अनुसंधान को एक्शन रिसर्च बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह क्रियात्मक शोध है, यह मौलिक शोध है, यह प्रायोगिक शोध है, यह ऐतिहासिक शोध है। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो यह बताएगा कि यह एक प्रकार का क्रियात्मक शोध है यानी एक्शन रिसर्च है? उपकल्पनाओं का निर्माण, ऐसा तो नहीं। उपकल्पना प्रत्येक शोध में होती है, चाहे ऐतिहासिक हो, प्रायोगिक हो, व्यवहारिक हो, मौलिक हो, क्रियात्मक हो, तो सब में होता, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन, तो यह तो अन्य शोध में होता ही है, ठीक है। जनरलाइजेशन यानी जो आप निर्णय निकाला उसको आप अन्य जगहों भी यूज करते हो, तो इसे सामान्यकरण कहोगे। शोध की रूपरेखा का अपरिवर्तन कठोर होना, यह तो अन्य शोध में होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में तो आप शोध की रूपरेखा को परिवर्तित कर सकते हो किसी भी समय, लेकिन अन्य शोध में जैसे मौलिक अनुसंधान है उसमें आप शोध की रूपरेखा को बाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, बाद में उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो प्रश्न का सही उत्तर है कार्यक्रम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन। तो क्रियात्मक शोध में या क्रियात्मक अनुसंधान में आप क्या करोगे, प्रोग्राम का क्रियान्वयन करोगे और फिर उसका अंतिम रूप से मूल्यांकन करोगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का एक्शन रिसर्च है। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है हार्ट एम गुड की, जो कि अनुसंधान से संबंधित है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, कई बार पूछी जाती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तित करना है। तो जो विद्यमान अवस्था है यानी वर्तमान की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन करना होता है, जिस शोध का लक्ष्य उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार यह परिभाषा पूछी जाती है। अब हम मूल्यांकन मापन से संबंधित प्रश्न हल करते हैं, ध्यान से वॉच कीजिए। प्रश्न है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? संकलनात्मक आकलन, जिसे इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट आपने सुना होगा। तो शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन, यानी जब पूरा सत्र खत्म हो जाता है, कक्षा के दौरान आकलन यानी बीच बीच में जब आप टीचिंग कर रहे हैं, परियोजना का आकलन यानी प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन, पाठ के अंत में आकलन यानी जब आपका पाठ अंत हो जाता है यानी चैप्टर समाप्त हो जाता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य है पाठ के अंत में आकलन, या इसे आप मूल्यांकन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण के दौरान बालकों की अधिगम संबंधी प्रगति को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए यह आकलन पाठ के अंत में किया जाता है। तो संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना, कि आपकी जो शिक्षण की विधियां हैं, शिक्षण की सामग्रियां हैं, पाठ्यक्रम है, उसकी जांच करना यानी वो कितना सफल रहा, तो यह पाठ के अंत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन पाठ की कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी पठन की कमियां? तो इनमें से कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो पठन की कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है या प्रयुक्त होता है? रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक, इसे भी फॉर्मेटिव कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक कह सकते हो, योगात्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो पठन की कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, नैदानिक मूल्यांकन इसे कहेंगे, यानी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आप इसे कह सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि
नैदानिक मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है। इसी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो नैदानिक मूल्यांकन से आपको ये पता चलता है कि किसी पाठ्य वस्तु का यानी किसी कंटेंट का कितना भाग बच्चे समझ गए और कितना नहीं समझे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उपचारात्मक शिक्षण करोगे उसमें सुधार करने के लिए, यानी जिस पार्ट्स को बच्चे नहीं समझ पाए हैं उसको समझाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्न में से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया, तो इनमें से किस आकलन का प्रयोग किया गया शिक्षक के द्वारा। प्रश्न को समझ लीजिए, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। टीचर ने बच्चों को कुछ मानदंड दिए, कुछ बिंदु दिए और कहा कि आप उन पर अपनी परियोजना का आकलन करना है, यानी अपने प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करें। तो इस प्रकार का जो आकलन होगा उसे क्या कहेंगे, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, समकक्षी आकलन क्या इसे कहेंगे, समकक्षी यानी पीयर असेसमेंट, स्व आकलन जो बच्चा स्वयं करता है, या संकल्पनात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्व आकलन, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपनी परियोजना का आकलन स्वयं कर रहा है। इसमें शिक्षक ने बच्चों को कुछ मानदंड दिए, उनके आधार पर बच्चा खुद कर रहा है, तो इसे आप कहेंगे स्व आकलन, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न की भाषा सबसे अहम रोल रखती है परीक्षा हॉल में, प्रश्न पत्र में समझने में। यदि आप प्रश्न समझ गए तो आप उत्तर के करीब पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न है, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया फिर ब्लैंक किया गया है कहलाती है। इनमें से यानी अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मस्तिष्क आलोडन, विश्लेषण, मूल्यांकन, निगमन। सही उत्तर प्रश्न का है ऑप्शन नंबर 2, विश्लेषण यानी एनालिसिस। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया विश्लेषण कहलाती है। और विश्लेषण का मतलब होता है किसी पाठ्य वस्तु किसी कंटेंट को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, और संश्लेषण का मतलब होता है उन भागों को जोड़ना। विश्लेषण यानी विभाजित करना, तोड़ना, भागों में बांटना। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है, यानी ट्रू एंड फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं, जो टेस्ट होता है जिसमें सही और गलत वाले प्रश्न होते हैं, तो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। सर्वाधिक भी लिखा है और महत्वपूर्ण भी लिखा है। इसका व्यापक प्रतिदर्शन, इसके मदों की वैधता वैध तो होता ही है, इसका उच्च नैदानिक मूल्य, इसमें संशुद्धि के माध्यम से अनुमान का विलोपन। बताइए, इसी प्रकार की भाषा आती है परीक्षा में, हमें घबराना नहीं है। तो सही असत्य या सही गलत परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ है इसका व्यापक प्रतिदर्शन। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, बताइए क्या कर सकते हो। सत्य असत्य परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण होता है जिसमें विषय के व्यापक क्षेत्र को आप समाहित कर सकते हो। यानी किसी किताब में 40 चैप्टर हैं, 40 अध्याय हैं, और आपको 40 ही प्रश्नों का एक पेपर बनाना है, यानी पूरी किताब को कवर करनी है, तो आप हर चैप्टर से एक एक प्रश्न उठाओगे तो पूरी किताब को कवर कर दोगे। अर्थात आप सत्य असत्य परीक्षण के माध्यम से क्या कर सकते हो, विषय के व्यापक क्षेत्र को उसमें शामिल कर सकते हो। तो यह इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, यानी पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो आप छोटे से छोटे पेपर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी संप्राप्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों का प्रयोग करने में नहीं की जा सकती है। प्रश्न को समझिए, तो इनमें से किसकी संप्राप्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण मदों का प्रयोग करने में नहीं की जा सकती, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, उसकी परीक्षण मदों का प्रयोग करने में आप
इसका यूज नहीं कर सकते इनमें से। विषय वस्तु का व्यापक विस्तार ये तो कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि 40 चैप्टर हैं तो आपको 40 ही प्रश्न पूरी किताब बनाने का बना दोगे, तो ये तो इसकी खूबी है। किसकी? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। समस्या समाधान योग्यता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैपेसिटी, इस प्रकार से उच्च कोटि की विश्वसनीयता इसमें होती है, रिलायबिलिटी होती है, करेक्ट ऑप्शन होते हैं तो इसमें एकदम सही विश्वास बन जाता है। समांकन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी भी होती है तो ये भी सत्य है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, समस्या समाधान योग्यता। आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों से किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको विषय निष्ठ प्रकार के परीक्षण लाने पड़ेंगे। यानी जो बड़े प्रश्न होते हैं जिन्हें निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनमें आप समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आप समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन आपको सिर्फ सही पर क्लिक करना होता है, और जहाँ पर लिखना होता है निबंधात्मक तो वहाँ पर आप विश्लेषण कर सकते हो, अपनी बात को तर्क वितर्क करके उनका खंडन कर सकते हो। आज का आखिरी प्रश्न यह है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे संबोधी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, अवस्था किसके साथ संबंधित है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जो कि बच्चों के बौद्धिक विकास से संबंधित है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इन चारों में से तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण स्थायित्व और मानसिक निरूपण। बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था के साथ सही बैठता है? यह पहली अवस्था है, इंद्रिय गामक अवस्था, मूर्त अवस्था और अनौपचारिक अवस्था। इस प्रकार से आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो इनमें से जो इंद्रिय गामक अवस्था है, संबोधी प्रेरक अवस्था है, उनमें से इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी और उसके बाद आप हमें सोशल हैंडल्स पर भी मिल सकते हैं, टेलीग्राम पर यूर सेलेक्शन श्योर से, फेसबुक पेज है यूर सेलेक्शन श्योर से, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं गंगा प्रकाश वैश्विक के नाम से। इतने जगह आप हमें ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, हम आपको इतनी जगह मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है, खासकर क्रियात्मक अनुसंधान से। क्रियात्मक अनुसंधान पर और भी वीडियो में बना चुका हूँ, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें वॉच कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, इस बार जीत तोड़ मेहनत कीजिए और अपने उस मंजिल को क्रैक कीजिए, उसे अचीव कीजिए जिसके लिए आप निरंतर संघर्षशील हो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।